हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। दोस्तों, रात दिन 24 घंटे काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। इस तानाशाही को खत्म करना है, तानाशाही को मंजूर नहीं है अपने को। मेरा तन मन धन देश के नाम है। मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के नाम है। दोस्तों, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। कैसे हैं सब लोग? मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। जेल के अंदर जब मैं था, आप लोगों की बहुत याद आती थी। दिल्ली के लोगों की बहुत याद आती थी। अंदर मेरे को आप ही की चिंता रहती थी। मेरे को चिंता रहती थी मेरे दिल्ली के बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। मेरे को चिंता रहती थी स्कूल ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे। मेरे को चिंता रहती थी लोगों की बिजली ठीक से आ रही है, महिलाओं को बस में फ्री में सफर मिल रहा है। कई महिलाओं को ये फिक्र थी। केजरीवाल तो अंदर चला गया, अब हमारे 1000 रुपए महीने का क्या होगा? मैं आपको कह के गया था मैं जल्दी लौट के आऊंगा, मैं आ गया। अब आप चिंता मत करना, मैं अपनी माताओं को बहनों को कहना चाहता हूं चिंता मत करना, 1000 रुपए महीने भी आपके चालू करवाऊंगा जल्दी। अब आप ना, इन्होंने मेरे को गिरफ्तार किया। मैं सोच रहा था मेरे को क्यों गिरफ्तार किया, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। छोटा सा आदमी हूं मैं, छोटी सी पार्टी है हमारी, और हमने इनको गिरफ्तार कर लिया क्यों? मेरा यही कसूर है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बनाए। मेरा यही कसूर है मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे अस्पताल बनाए। मेरा यही कसूर है कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मेरा यही कसूर है कि आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए फ्री का इलाज का इंतजाम किया, फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। आपके परिवार के लिए मैंने फ्री दवाइयों का इंतजाम किया। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, भाई साहब 15 दिन तक इन्होंने मेरे को शुगर की इंसुलिन नहीं दी। मैं बिना इंसुलिन के 15 दिन तक तिहाड़ के अंदर रहा। इनसे मैंने गिड़गिड़ाया मैं तिहाड़ के अंदर कि मेरे को इंसुलिन दे दो, शुगर का मरीज हूं मैं। जब मैं बाहर था 52 यूनिट इंसुलिन डेली लेता था, अंदर इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों का आशीर्वाद था, करोड़ों करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे तक पहुंच रही थी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक आदेश दे दिया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए हम इजाजत देते हैं, बहुत, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है दोस्तों, ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है। लेकिन अब अपने को इस तानाशाही को खत्म करना है देश से। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। इन्होंने, इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए, बोले बड़े बड़े काम करने हैं। तो इनसे किसी ने पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओगे तो सही। तो अंदर से इनके पता चला एक बड़ा काम तो इन्होंने ये करना है, जैसे रशिया के अंदर चुनाव ही नहीं होते, पुतिन ने वहां पे संविधान बदला, पुतिन ही पुतिन चलता है। यहां भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर, और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए? क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है? क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है? हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। दोस्तों, इस देश के अंदर से तानाशाही नहीं आने देंगे इस देश के अंदर। ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली की हमने तरक्की करी, दिल्ली में हमने स्कूल बनाए,
अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। अब मैं किसी भी चुनाव में जाता हूं, मैं अपने काम पे वोट मांगता हूं। मैं देख रहा था ये लोग वोट मांगते घूम रहे हैं, एक भी 10 साल हो गए इनको देश चलाते, एक भी काम की बात नहीं करते, उल्टी सीधी कभी कहेंगे मंगल सूत्र के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, कभी किसी चीज पे, कभी किसी। अरे 10 साल से तुम देश चला रहे हो, कोई एक काम तो बताओ कि तुमने एक काम क्या अच्छा किया, एक भी अच्छा काम नहीं किया। दोस्तों, अब जो सर्वे आ रहे हैं और जो माहौल दिखाई दे रहा है, मेरे को 20 घंटे हो गए बाहर आए हुए, और 20 घंटे में मैंने कई लोगों से बात की है। 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, सब लोग बता रहे हैं। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, बिहार में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, और दिल्ली में तो बीजेपी की 0 सीट आ रही है। तो इनकी सरकार कैसे बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के अंदर, अब केंद्र में आम आदमी पार्टी का भी सहयोग होगा। और जो कई सालों से दिल्ली वाले न्याय मांग रहे हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, अब दिल्ली में एलजी भी अपना बनाएंगे, आप लोगों का एलजी होगा दोस्तों, अब दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रोक सकता। मेरे को ऊपर वाले ने 21 दिन दिए हैं, 21 दिन की मोहलत मिली है, रात दिन 24 घंटे काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। इस तानाशाही को खत्म करना है, तानाशाही को मंजूर नहीं है अपने को। 24 घंटे काम करूंगा, 24 घंटे घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा, मेरा तन मन धन देश के नाम है, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के नाम है दोस्तों। भारत माता की जय।